और जो सब्जेक्ट में टेकअप करने जा रही हूँ वो है मुस्लिम लॉ सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले बुक के साथ जो कि है राशिद जी की बुक इसकी मैं आपको क्वालिटीज बता इजी लेमैन लैंग्वेज में है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट को इन्होंने इंक्लूड किया है साथ ही साथ इसमें आपको लेटेस्ट सिलेबस भी मिल जाएगा अथॉरिटेटिव क्लासिकल टेक्स्ट इंक्लूडेड है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इंक्लूडेड है और इंक्लूड किया है इन्होंने सारे स्टैचुटरी चेंजेस को तो अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है देन यू कैन गो फॉर दिस बुक अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बुक की तरफ जो कि है मुल्ला जी की बुक जैसे मुल्ला जी की हर बुक रेफरेंस बुक होती है काफी डिटेल्ड होती है और कमेंट्री फॉर्म में होती है वैसे मुस्लिम लॉ में भी उन्होंने किया है ये बुक अपडेटेड है रेफरेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री है मुस्लिम लॉ पे सिस्टमैटिकली इन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया है सारे डायमेंशन को कवर किया है साथ ही साथ इन्होंने बैकग्राउंड को हिस्ट्री को और सोर्सेस को भी अच्छे से डील किया है लैंडमार्क और लीडिंग जजमेंट भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे तो अगर आपको कमेंट्री पढ़नी है तो बिगनर्स के लिए तो नहीं लेकिन डिटेल स्टडी के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि है ताहिर महमूद जी की बुक इस बुक की क्वालिटीज क्या है ये बुक थोड़ी सी शॉर्ट है कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है इस बुक को ये एवरेस्ट वर्जन ऑफ मुस्लिम लॉ को प्रेजेंट करती है ये अपडेटेड है और इसमें भी लेटेस्ट जजमेंट इंक्लूड किए गए हैं साथ ही साथ उन जजमेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की गई है अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि अकील अहमद जी की बुक है इन्होंने चैप्टर वाइज प्रेजेंट किया है कंसेप्ट को साथ ही साथ सब्जेक्टिव पार्ट को भी इंक्लूड किया है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि फाइवी जी की बुक है इस बुक के फीचर्स क्या है ये कंसाइज है शॉर्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है और रेफर की जा सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली जुडिशरी एग्जाम्स के लिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि है पारस दीवान जी की बुक हिंदू लॉ में भी आती है यूज लोग स्टार्टिंग में इसी बुक को रेफर करते हैं इजी है इन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है और बेसिक इनडेप अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है अब चलिए आगे चलते हैं और दूसरे ऑप्शन देखते हैं ये है अदर बुक्स जो की बेसिकली गाइड्स है ये इनडेप्थ स्टडी या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नहीं है अगर आपको कंटेंट शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म फॉर्म में short note के form में नोट के के सेमेस्टर एग्जाम्स लिए चाहिए तब आप इन्हें रिफर कर सकते हैं चलिए अब आगे चलते हैं अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं तो वहां का स्टडी मॉड्यूल रिफर कर सकते हैं जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को ये देते हैं ये पूरा फैमिली लॉ का मॉड्यूल है जिसमें हिंदू लॉ एज वेल well एज मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूड रहेगा ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा ये आपको हेल्प करेगा सारे स्टेजेस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में साथ ही साथ आपके टाइम को बचाएगा ताकि आप एक जगह कंसाइज फॉर्म में चीजों को पढ़ सके तो ये था मेरा वीडियो मुस्लिम लॉ के बुक्स के ऊपर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियो के लिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम